तो किसान आंदोलन का आज 16वां दिन है, 17वां दिन भारी संग्राम का हो सकता है। किसान संगठनों ने दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात ठप्प कर देने की धमकी दी। एक तरफ उनकी धमकी और दूसरी तरफ कानून वापस ना लेने की सरकार की धमक। इन सब के बीच लाजमी सा सवाल यही है कि कंफ्यूजन कहां है, किसानों को इतना गुस्सा क्यों आया? इन किसानों में सबसे ज्यादा गुस्सा पंजाब के ही किसानों को क्यों है? तीनों को रिपील करना ही होगा, अगर नहीं करेंगे तो हमारा इस पर कोई समझौता नहीं है, यानी ये नॉन नेगोशिएबल डिमांड है। हमारा मतलब है कि ये कानून पूरे रद्द होने चाहिए और हम करवा के रहेंगे। कितना भी टाइम लगी जाए, कितना भी मर्जी कुछ करे, सरकार कानून वापस करा के जावांगे, वापस नहीं जाते उन्हें। जय किसान, जय किसान, जय किसान एकता। सरसरी तौर पर आंदोलन कर रहे इन किसानों को देखेंगे तो आपको भ्रम हो सकता है कि इन्हें कोई दुख तकलीफ नहीं। लेकिन इनके नजदीक जाएं तो पाएंगे कि न सिर्फ इनके दिमाग में सवाल का अंबार है बल्कि दिलों में दर्द का बवाल है। इसमें सबसे ज्यादा मुखर पंजाब के किसान हैं। एक तरह से कहें तो अब गुस्से से लबालब भरे हुए। कृषि कानूनों को खत्म करने पर अड़े और इस लड़ाई को दूर तक लड़ने के पीछे के वजहों को जानना जरूरी है। नए कानूनों ने शायद आग में बस घी का काम किया है, भरे तो वो पहले से ही थे। 1980 के बाद से तमाम वजहों से पंजाब में पैदावार कम होती थी। इस दौरान पैदावार की लागत में बेहिसाब इजाफा हुआ। आलम ये रहा कि 10% सीमांत और लघु किसानों ने खेती छोड़ दी। किसानों को नकदी फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित नहीं किया गया। किसान गेहूं और धान पर निर्भर होकर रह गए, इसलिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी निर्भरता बढ़ती है। जब नए कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य का प्रावधान लिखित तौर पर नहीं दिखा तो किसान भड़क थे। अब जो इनकी लड़ाई का स्वरूप है और सरकार का जो रवैया है वो आपके सामने है, लेकिन सच बस इतना भर नहीं है। एक बड़ा चैलेंज पंजाब में इस समय है कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में स्टैग्नेशन है, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर डेवलप नहीं हो पाया, और एक ह्यूमन रिसोर्स, नॉलेज बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स, वो हम प्रोड्यूस नहीं कर पाए। जो किसान अपनी जो खेती की पैदावार है वो उसमें कोई इतना उछाल नहीं आया, वो बढ़ नहीं, उसमें एक स्टैग्नेशन आ गई। वो स्टैग्नेशन किस वजह से आई कि सरकार ने इसके ऊपर कोई, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर कोई खर्च नहीं हुआ। जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का था वो पहले 80 के दहाके में था 700 कुछ रुपए जो था एक हेक्टेयर के ऊपर, वो अब सिर्फ रह गया, उसका आधा रह गया प्रेजेंट टाइम में। तो उसमें कोई रिसर्च हो नहीं रही, खेती में जो पैदावार है कम हो रही है, जब वो गिरावट आती जा रही है। इसकी वजह से एक उसकी जो एक मेन कारण ये है कि उसकी जो आमदनी में एक ये उसकी गिरावट आई है। ये किसान आंदोलन शहरों और सरकार के लिए परेशानी का सबब हो सकता है, लेकिन किसानों की परेशानियां बेहिसाब बढ़ी है, क्योंकि किसी भी फसल के लिए नए कानून में MSP का लिखित प्रावधान नहीं है। इसलिए इन किसानों को मजबूरी में अपनी फसलें प्राइवेट मंडियों में बेचनी पड़ रही है। इनके पास कोई दूसरा चारा भी नहीं जिसके जरिए रोजी रोटी का बंदोबस्त कर सके। पंजाब में करीब 10 लाख परिवार खेती पर निर्भर है। इनमें से 31.1% लघु या सीमांत किसान है। पंजाब के किसान सरकारी सब्सिडी पर निर्भर रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों के किसानों के मुकाबले इन्हें सब्सिडी ज्यादा मिलती रही है। हर किसान परिवार को हर साल 1,73,165 रुपए की सब्सिडी मिलती है। विशेषज्ञ कहते हैं कि इसमें किसानों का दोष नहीं, क्योंकि सरकार सिर्फ दो फसलों पर ही MSP देती रही है, इसलिए उनका रुझान दो ही फसलों पर रहा है। पंजाब में ये क्वालिटी एजुकेशन किसानों को सपोर्ट देने के लिए एक बड़े पैमाने पे सब्सिडाइज करें एग्रीकल्चर के ऑपरेशंस को। अगर आपने क्रॉप कुछ एरिया डाइवर्सिफाई भी करना है तो किसान को सब्सिडी मिलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि सब्सिडी जो इतनी कम मिलती है जिससे किसान का क्रॉप जो है कम्पिटिटिव ग्लोबली नहीं हो सकती। आज सरकार के पास अगर MSP दे रही है पर्याप्त अनाज है, गाँव में वो जो गरीब लोग हैं, गरीबी रेखा से लोग हैं, उनको अनाज भी दे रहे हैं, वो कहाँ से आ रहा है? किसान ही दे रहा है ना।
अगर वो ना होते था तो फिर आप फूड राइट्स फेस करते। तो ये फूड सिक्योरिटी के लिए एमएसपी का और सब्सिडी का रहना बहुत ही अनिवार्य है और ये होनी चाहिए। यही सरकार का किसान का रोष क्या, यही रोष है उसका कि उसको ये सब कुछ देखते हुए ये लग रहा है कि हमारा एक जो ये सिस्टम ही जो सिस्टम खड़ा है एमएसपी के ऊपर सब्सिडीज के ऊपर, उसको एक होप है, उम्मीद है कि इससे हम चल सकते हैं। आमदनी घटने की हताशा पंजाब के किसानों को दिल्ली तक ले आई है। इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन का कहना है कि पंजाब में किसानों की लागत, आमदनी और जीविका चलाने के बीच फासला साल दर साल बढ़ता ही गया है, यानी उनके सामने जीवन मरण का सवाल है। लेकिन सरकार मानती है कि उनकी चिंता गैर वाजिब है। नए कानूनों का तात्कालिक लाभ भले ही इन किसानों को नहीं मिला है, लेकिन आने वाले सालों में उनका भला होगा जरूर। सरकार को भरोसा है कि आज नहीं तो कल बातचीत से बात बन जाएगी। सरकार ने आंदोलन कर रहे किसानों को जो 5 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है वो ये है। पहला, एपीएमसी एक्ट मजबूत किया जाएगा। दूसरा, एमएसपी की लिखित गारंटी दी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्थानीय कोर्ट जा सकेंगे किसान। प्राइवेट व्यापारियों के लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा होगी। प्रदूषण और बिजली बिल से जुड़े प्रस्तावों में बदलाव होगा। लेकिन किसान कानून को ही बदल देने की मांग कर रहे हैं। पंजाब के किसान वाकई दूसरे राज्यों के किसानों के मुकाबले ज्यादा परेशानी में है। कर्ज और लागत ने उन्हें उस कगार पर ला खड़ा किया है जहां एक तरफ कुआ दिख रहा है, दूसरी तरफ खाई। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। आपने पंजाब के किसानों के गुस्से की वजह को जाना, तो क्या मान लिया जाए कि यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा के किसान सुखी और संपन्न है? हमारी टीम बिहार गई, रियलिटी चेक किया और जाना कि जिन किसानों ने नीतीश सरकार को फिर सत्ता सौंपी है उनके हालात क्या है। दिल्ली की सरहद पर किसानों के सब्र की हद टूटती दिख रही है। ये बेकली पिछले 16 दिनों से जारी है। सरकार से 6 राउंड की बातचीत के बाद भी दोनों पक्षों में बात नहीं बनी है। किसान अब आंदोलन को उग्र करने की धमकी दे रहे हैं। क्या ये आंदोलन कर रहे सिर्फ पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के किसान हैं? क्या देश भर के किसान नए कृषि कानूनों से बिल्कुल भी नहीं है परेशान? जिस प्रदेश में किसानों ने एनडीए के लिए अभी अभी किया है मतदान, उस बिहार में कितना खुशहाल है किसान? ये तस्वीरें बिहार चुनाव के दौरान की हैं। गांव कस्बों के किसानों ने भी जमकर चुनाव में हिस्सा लिया, मतदान किया, नीतीश कुमार के सपने को एक बार फिर से साकार किया। लेकिन क्या समृद्ध होने का उनका सपना भी पूरा हो रहा है? रियलिटी चेक के लिए हमारी टीम मुजफ्फरपुर के मणिका हरिकेश पंचायत पहुंची। यहां हमें रामचंद्र सिंह मिले। उन्होंने जो दास्तान हमें सुनाई वो व्यथा कथा ही है। ये व्यवस्था तो ठीक है, लेकिन लाभ कहां ले पाए? लाभ तो मुश्किल से 30% किसान ही पैक्स में धान बेच सकते हैं, इसलिए कि इसमें इतनी उलझन लगाए हुए है सरकार। अब पैक्स कब खुला? 15 नवम्बर से सुनते हैं कि खुला। 15 नवंबर के बाद कई बार कलेक्टर साहब का स्टेटमेंट अखबार में आया है कि आप लोग धान रजिस्ट्रेशन कराइए, दे जाइए पैक्स की, आप धान खरीद लेगा। अब हम अपनी बात कर रहे हैं कि मेरा पंचायत मनिका बिशनपुर चान है और हमारे पंचायत का पैक्स अध्यक्ष मृत प्राय है, तो जो गत साल भी मृत प्राय था। बिहार में किसानों की असल स्थिति जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2006 में नीतीश कुमार ने किसानों के हितों का हवाला देते हुए एपीएमसी को रद्द कर दिया। इसकी जगह सरकार ने प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज यानी पीएसीएस का गठन किया। फिलहाल बिहार में 8,500 पीएसीएस हैं। तब से लेकर अब तक किसानों की पैदावार तो दोगुनी हुई, लेकिन पीएसीएस के जरिए खरीदारी न के बराबर रही। किसानों का कहना है कि एपीएमसी रद्द करने के बाद बाजार पर बिचौलियों का कब्जा हो गया, जिसकी वजह से किसानों को औने पौने दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। इस बात की तस्दीक हरिकेश पंचायत के ही राजन कुमार भी कर रहे हैं।
उसमें सरकार कहती है कि एलपीसी देने के लिए, और सरकार एलपीसी के लिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, और ऑनलाइन में भी व्यवस्था यह है कि जिसके नाम से स्वयं जमाबंदी है उसी का एलपीसी बन पाता है, और नहीं तो जिसके नाम से बाबा दादा के नाम से पिता के नाम से जमीन है उसका एलपीसी नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें स्वयं मांगता है। दिक्कत एक हो तो निपटारा हो जाए, सरकार के इरादे वादे और हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। प्राथमिक कृषि सहयोग समिति मनी का अध्यक्ष घनश्याम तिवारी ने भी बताया कि किसानों के पास बिचौलियों को अपना अनाज बेचने के सिवाय कोई दूसरा विकल्प ही नहीं बचता। पैसा इस बार थोड़ा लेट के शुरू हुआ है, इस बार 23-24 दिसंबर के बाद धान अधिप्राप्ति हुआ, हम लोग धान अधिप्राप्ति कर रहे हैं, लेकिन सरकार आगे हम लोगों को चावल सरकार को एसएफसी को मुहैया कराना पड़ता है, तो चावल जितका मिल भी जल्दी शुरू हो जाना चाहिए कि एक लॉट खरीदने के बाद फिर हम दोबारा लॉट खरीदे। लॉट बाई सिस्टम लगा हुआ है सरकार के कि एक लॉट खरीदने के बाद आप नहीं खरीद सकते हैं, जब तक चावल मुहैया नहीं कराइएगा तब तक आप आगे खरीदारी नहीं कीजिएगा। यानी लक्ष्य का 10% भी खरीदारी सरकार नहीं कर सकी। किसानों के पास भंडारण की ऐसी क्षमता नहीं कि वो अनाज को महीनों अपने घर रख सकें और इंतजार कर सकें सरकारी समितियों की मेहरबानी का। सच तो ये है कि मेहरबानी बिहार के किसानों ने देश पर किया है। सासाराम और बक्सर है देश के धान उत्पादन का केंद्र, यहाँ प्रति हेक्टेयर धान की पैदावार देश में सबसे ज्यादा है। ज्यादा अनाज उत्पादन का लाभ नहीं मिल रहा किसानों को, 1000 रुपए प्रति क्विंटल से भी कम दाम पर धान बेचने को मजबूर है किसान। सोचिए जरा, धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य देश में 1860 रुपए किलो रहा है, कहां 1860 रुपए और कहां 1000 रुपए। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि फिर बिहार के किसान घमासान क्यों नहीं कर रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि यहां एक तो किसानों का संगठन कमजोर है और दूसरे जोत के छोटे प्रकार होने की वजह से ज्यादातर किसानों के पास सैकड़ों हजारों क्विंटल अनाज नहीं होता जिसके लिए वो संघर्ष कर सके। लेकिन हमारी टीम को उन्होंने बताया कि नए कृषि कानूनों से किसानों की आय तब तक दोगुनी नहीं होगी जब तक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदारी की माकूल व्यवस्था न हो। मुजफ्फरपुर में मणि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक। और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।